एकेडमी, दिस इज हिमांशु। आज के इस वीडियो लेक्चर में बात करने वाले हैं कुछ और फार्मा रिगार्डिंग वैकेंसीज के बारे में। और जैसे कि आप जानते हैं, फार्मा रिगार्डिंग जितने भी आपकी नोटिफिकेशन अपडेट आती है, सारी वैकेंसी की अपडेट मिलती है आपको हमारे चैनल अमर सार एकेडमी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें। जैसे कि आप जानते हैं, हमारे चैनल पर आपको सारी वैकेंसी की अपडेट मिलती है, जिसमें कि फार्मा रिगार्डिंग होती है, कुछ अलग अलग कंपनीज में, इंडस्ट्री में सारी वैकेंसी की अपडेट कवर करने की मैं कोशिश करता हूँ। इसी के साथ काफ़ी सारे स्टूडेंट बोलते हैं, सर क्लिनिकल ट्रायल में है ना, क्लिनिकल ट्रायल में, क्लिनिकल रिसर्च में एज ए फ्रेशर हम कैसे एंट्री ले सकते हैं। तो देखिए, काफ़ी लिमिटेड ऐसी वैकेंसी आती है जिसमें कि इस वैकेंसी के बारे में मैं बात करने वाला हूँ। ये क्लेरिवेट यहाँ पे कंपनी है, ये एक फॉरेन कंपनी है ना, ये मल्टीनेशनल कंपनी है। यहाँ पे इंडिया चेन्नई में लोकेशन लिखा हुआ है, फुल टाइम जॉब कोड लिखा हुआ है JREQ117519। क्या है? एसोसिएट कंटेंट एनालिस्ट इन क्लिनिकल ट्रायल टीम। ठीक है, क्या क्या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है? तो देखिए, एज एसोसिएट कंटेंट एनालिस्ट क्लिनिकल ट्रायल टीम, यू हैव एनालाइज द क्रॉस रेफरेंस अपडेटेड ऑल न्यू प्रीवियस अपडेटेड इन्फॉर्मेशन, रिकॉर्ड क्लिनिकल डेटा फ्रॉम वेरियस सोर्सेज विच इंक्लूड कंपनी वेबसाइट, प्रेजेंटेशन, कॉन्फ्रेंसेज, प्रेस रिलीज, क्लिनिकल ट्रायल्स, ये सारा सब कुछ आपको मैटर देखना पड़ेगा। नेक्स्ट, अबाउट यू, मतलब आपके पास कौन सी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो एजुकेशन आपकी देखिए बी फार्मा, एम फार्मा, एम एस सी बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, लाइफ साइंसेज, वो आपके पास है। इनकी बी फार्म कैंडिडेट के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। जो भी कैंडिडेट इनिशियल स्टेज पे अपना करियर क्लिनिकल ट्रायल में स्टार्ट करना चाहते हैं, देखिए यहाँ पे क्लिनिकल ट्रायल में क्या क्या स्कोप एंड करियर हो सकता है, इसके बारे में मैं वीडियो बना चुका हूँ। इस वीडियो के एंड में इधर आपको इसके रिगार्डिंग एक वीडियो मिलेगा, जिसमें आपको कंप्लीट डिटेल के बारे में पता चलेगा कि किस हिसाब से हम करियर की शुरुआत कर सकते हैं और क्लिनिकल ट्रायल में क्या क्या ऑप्शन हमारे पास है। अब नेक्स्ट हम बात आते हैं, देखो वर्क एक्सपीरियंस जो है 0 से लेकर 1 साल का मांग रहे हैं, यानी कि फ्रेशर कैंडिडेट भी यहाँ पे एलिजिबल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपको एक्सपीरियंस है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो भी कोई बात नहीं। नॉलेज ऑफ स्किल एबिलिटी ऑफ डिप्ट इन क्लिनिकल ट्रायल्स फार्मास्यूटिकल ड्रग। अब बात आती है, देखिए आप भले ही फ्रेशर हो फिर भी आपको क्लिनिकल ट्रायल्स का नॉलेज होना जरूरी है। जैसे कि आप जानते हैं, क्लिनिकल ट्रायल में फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4 चार फेज होते हैं सर। उससे पहले एक प्री क्लिनिकल ट्रायल होता है, सबसे पहले एनिमल पे, फिर सर फेज 1 में हम कुछ एक पेशेंट को लेकर ट्रायल करते हैं, फेज 2 में पेशेंट का रेशियो बढ़ जाता है, फेज 3 में जो मार्केट में फॉर्मुलेशन आ जाती है, और फेज 4 में जो है प्री फॉर्मुलेशन, प्री मार्केटिंग फेज हम जिसको बोलते हैं, जिसमें कि मार्केट में ड्रग अवेलेबल होती है और एक लार्ज अमाउंट में लार्ज पब्लिक को वो दी जाती है। तो ये सारी नॉलेज जो है वो आपको होनी चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ देखिए, जैसे कि आप जानते हैं ये वाली जो कंपनी है ये इंटरनेशनल कंपनी है, तो यहाँ पे एक्सीलेंट इंग्लिश आपकी अच्छी होनी चाहिए एंड आपका कम्युनिकेशन स्किल जो है वो बेटर होना चाहिए। ठीक है जी, नेक्स्ट एक्सपीरियंस इज सेकेंडरी रिसर्च रिलेटेड टू क्लिनिकल इन्फॉर्मेशन। ठीक है, वो सारा सब कुछ यहाँ पे मैंने, व्हाट यू बी डूइंग, रोल क्या रहेगा आपका, वो सारा यहाँ पे लिखा हुआ है। इंश्योर द क्वालिटी स्टैंडर्ड ऑब्जर्वेशन, अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्स ट्रायल ड्रग रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, वो सारा सब कुछ आपको देखना है। अब क्या है अबाउट टीम के बारे में, कौन सी टीम में आप रहने वाले हो, वो सारा सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है। वर्क कितना है, 9 घंटे जो आपका डेली रहने वाला है, ठीक है, इंक्लूडिंग 1 आवर ब्रेक। ठीक है, तो मतलब टोटल आपका वर्किंग आवर 8 आवर्स हो गया, बाकी सारी सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है। अब बात आती है, सर यहाँ अप्लाई कैसे करना है, तो इसकी डायरेक्टली लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, ये अप्लाई क्लिक पे जैसे क्लिक करेंगे तो सीधा सीधा आपको, पहली बार अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपका रजिस्ट्रेशन ईमेल एड्रेस मांग के आप रजिस्टर कर सकते हैं। कुछ एक बेसिक आपकी जानकारी यहाँ पे देनी पड़ेगी। अगर आप इनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में फिट होते हो तो इनकी तरफ से आपको कॉल, मेल, जो भी है इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी। देखिए, इस वैकेंसी के बारे में अभी कुछ दिनों पहले हमने बताया था, बट काफ़ी स्टूडेंट का मैसेज रहता है कि सर क्लिनिकल ट्रायल में एज ए फ्रेशर बी फार्म करने के बाद हम कैसे जाएं, तो उन सभी को मैं बताना चाहूँगा। देखिए, वैकेंसी आ रखी है, 10 अक्टूबर जो है इसकी लास्ट डेट है। ठीक है जी, 10 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट है, तो उससे पहले पहले जो है आपको फिल कर देना है। अगर जो स्टूडेंट मूव होना चाहता है, इंडिया चेन्नई में ये लोकेशन है और एक अच्छी करियर की शुरुआत कर सकता है क्लिनिकल ट्रायल में, क्योंकि मैं ऐसे आपको बोल रहा हूँ, देखिए क्लिनिकल ट्रायल में अगर आप जाते हैं इस टाइम में, तो इंडिया में काफ़ी सारे ऐसे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, चाहे वो वैक्सीन को लेकर हो, मेडिसिन को लेकर हो, तो ऑप्शन जो है वो आपके पास बने हुए हैं बहुत सारे। कुछ ही दिनों पहले आपने देखा होगा,
जोधपुर एम्स में, एम्स में भी क्लिनिकल ट्रायल की वैकेंसी आई थी जिसमें कि बी फार्म और विथ एक्सपीरियंस एलिजिबल है। तो यहाँ से आप एक्सपीरियंस ले लीजिए, आप वहाँ भी एलिजिबल हो सकते हैं। तो ऐसे ही फार्मा रिगार्डिंग न्यूज़ अपडेट, वैकेंसी अपडेट, वीडियो लेक्चर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मुझे जो सही लगता है, अच्छी कंपनी को मैं सर्च करता हूँ, देखता हूँ आप लोगों के लिए सूटेबल है, फिट है, देन मैं एक अच्छा सा वीडियो बनाता हूँ। अगर आपको पसंद आ रहा है ये काम तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। कीप वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।